आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, सेलेक्ट किया है। योर टॉपिक इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है? कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे आपका एसएससी में हो गया, बैंक में हो गया, तो इस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके किस तरह के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज, मीन्स कंप्यूटर के टर्म्स में कंप्यूटर को जो हम लोग ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर के टर्म में कंप्यूटर को जो हम लोग ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में बूटिंग बोलते हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन इज बूटिंग, फाइन। Now, we'll move to the second question. The base of a binary number system is what? Options are 8, 2, 16 and 10. अब हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर होता क्या है। बाइनरी नंबर जो हम लोग का सिर्फ दो नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है? इसमें आपका नंबर सिस्टम में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे एक हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, एक हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम और द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सारे नंबर सिस्टम्स का बेस अलग अलग होता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द बेस ऑफ अ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है ऑप्शन बी, दैट इज 2, ठीक है? 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ऑक्टल का बेस होता है 8 एंड डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। तो अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उसको भी अगर आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हो सकता है आज बाइनरी नंबर का पूछा जाए तो कल हो सकता है ऑक्टल नंबर का पूछा जाए बेस, ठीक है? तो ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। Now let us move to the next question. In next question, question is in MICR, C stands for what? Your options are code, color, character and computer. तो यहाँ पे आपको MICR का पहले full form जानना होगा। MICR का full form होता है magnetic ink character reader. So C stands for option C, that is कैरेक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं क्वेश्चन 4, जावा वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय विच कंपनी। सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? अब हमारे पास ऑप्शंस हैं ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, नोवेल और सन। सो जावा वॉज ऑरिजिनली इन्वेंटेड बाई द सन माइक्रोसिस्टम कंपनी, ठीक है? सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। सन कंपनी ने जावा लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एन ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्शन से आपके पास फ्लॉपी डिस्क, सी डी रोम, बबल मेमोरीज और ऑल ऑफ दिस। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं। मेमोरीज का हमारा यूज होता है कंप्यूटर में डेटा को, इंफॉर्मेशन को फॉर फ्यूचर यूज के लिए सेव करना, ठीक है? जिससे आपका डेटा सेफ रहे फॉर फ्यूचर यूज, आप उसको फ्यूचर में एक्सेस कर सको। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उन सारे स्टोरेज डिवाइसेस में जिसमें आप डेटा को इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी स्टोर कर रहे हो उसमें से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी डी रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय एप्पल आईएनसी, ठीक है? योर ऑप्शंस आर विंडोज, एंड्रॉयड, यूनिक्स एंड आईओएस। सो एप्पल कंपनी ने आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया है, ठीक है?
सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आईओएस। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है आपका 1 टेराबाइट 1 TB इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 1 TB जो है वो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिसे हम लोग डेटा के यूनिट डेटा को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स GB, MB, KB, TB ये सब में मेजर होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन हैं 1024 GB, 1000 GB, 1024 KB और 1024 MB। तो यहाँ पे GB, KB, MB इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सो आपको इसको याद रखना होगा, 1 TB दैट इज 1 TB इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन इज 1024 GB। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एक एक नंबर आपको ऐड करना है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं करवाना है, और एक एक नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है कंफ्यूजन की वजह से। सो हर एक चीज में बिल्कुल डैम श्योर हो जाओ कि हमारा ये आंसर कंफर्म है, सही है, और जिस क्वेश्चन पे हम टिक मार्क कर रहे हैं वो आंसर कंप्लीटली सही है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको पहले नॉलेज गेन करना होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम लोग क्लिक करते हैं उसको बोलते क्या है, जब क्लिक करेंगे तो वो उससे रिलेटेड दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। ठीक है, वेब पेज के टर्म में तो ऑप्शन है हाइपरलिंक, एंकर, रेफरेंस और टेक्स्ट। तो आप देखते हो जब भी हम लोग नेट यूज करते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी चीज को सर्च करते हैं, तो उसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो उस लिंक मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी हम लोगों को उसका डिटेल्स आर्टिकल सर्च करना होता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं, सो दैट उससे रिलेटेड अनदर डॉक्यूमेंट विथ लॉट ऑफ डिटेल्स इंक्लूडिंग इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, हिस्ट्री, एवरीथिंग विल बी ओपेंड। सो दैट वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट is known as option A, that is hyperlink is the correct answer। ठीक है, उस वर्ड को हम लोग वेब पेज के टर्म में हाइपरलिंक बोलते हैं, जिसको क्लिक करने पे वो अपना डिटेल्स उस पेज का डिटेल्स डिस्प्ले करता है। ठीक है, सो हाइपरलिंक इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है। आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, किसी भी चीज का अपना आज के डेट पे हर कंपनीज, हर ऑफिसेज, हर स्कूल कॉलेजेस, कुछ भी है तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक वेबसाइट कंटेन कर रही है। ठीक है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना वेबसाइट होता है जिसमें वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्कूल कॉलेज ऑफिसेज, कुछ भी चीज के बारे में, जॉब के बारे में अपना कंप्लीट डिटेल्स डिस्प्ले करते हैं, सो दैट क्लाइंट को उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने में इजी हो। तो उस वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है। तो फर्स्ट पेज को हम लोग, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है That is known as home page, ठीक है? Options are web page, home page, link or all of these. So option B is your correct answer, that is home page. Now come to the last question. This question is related to the database topic. In the database, a set of related data is known as. Database के terms में सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को क्या बोला जाता है। तो डेटाबेस के टर्म्स में सेट ऑफ
सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है. ऑप्शन सी दैट इज रिकॉर्ड्स. इन द टर्म ऑफ रिकॉर्ड वी आर मेंटेनिंग डेटाबेस. अब वो आपका डेटाबेस किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, जैसे किसी स्कूल का डेटाबेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ऑफिस का होगा, कॉलेज का होगा, किसी पर्टिकुलर शॉप का होगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटाबेस स्टोर हो सकता है और उस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अधिक से अधिक जान सकते हैं और हम लोग वहां का डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एज पर द रिक्वायरमेंट. सो दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द कंप्यूटर टॉपिक विच यू कैन प्रैक्टिस. ओके, एंड इन माई यूट्यूब चैनल यू कैन एक्सेस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर्पस from reasoning or maths or from computer topics also. So many videos have been uploaded. You can take help from there. You can subscribe my channel. You can give any comments also. If you have any type of queries, if you want any another topic, then you can mention it in a comment section. So thank you for watching and all the best for your competitive exams. Thank you.